नमस्कार साथियों, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का ही एक पार्ट गांधी इरविन समझौता 1931 पे बात करेंगे, उस विषय को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम किसी भी बिंदु को अगर एक बार उस चीज़ को समझते हुए, उस चीज़ को स्मरण में रखते हुए, मनन करते हुए अगर करते हैं तो उसको हम भूल नहीं पाते हैं। चलिए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 25 जनवरी 1931 को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौते हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया। अब इस समझौते में सरकार की ओर से गांधी और लॉर्ड इरविन इस बात पर सहमत हुए कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे, अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी, विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जाएगा, सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा, समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दे दी जाएगी, मदिरा अफीम विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। किंतु वायसराय ने गांधी की सिर्फ दो मांगे को अस्वीकार कर दी। आइए जानते हैं कि वो दो मांगे क्या थी। तो पुलिस जायरातियों की जांच कराई जाए तथा भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माफ कर दी जाए, ये उन्होंने नहीं माना। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर दिया जाएगा। देखिए, अंग्रेज हमारे प्रति हमारे विचारों के प्रति कितना प्रतिकूल थे, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। और कांग्रेस इस मुद्दे पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी कि भारतीय उत्तरदायित्व तथा संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार करते समय परिसंघ भारतीय उत्तरदायित्व तथा भारतीय हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अपरिहार्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा भारत की वित्तीय जैसे साख जैसे मुद्दे शामिल होंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।